हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज रोहित शर्मा लिखेंगे हिस्ट्री, उठाएंगे पूरी दुनिया के सामने फाइनल में आज बदले का दिन है और ट्रॉफी उठाएंगे और 2003 का बदला भी लेंगे और भारत को तीसरी बार वर्ल्ड कप विजेता बनाएंगे। पहले देखते हैं क्या होने लगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। आरजे रौनक का वीडियो तो स्टार्ट। अच्छा, रोहित शर्मा से मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी है। रोहित भाई, दो चार चीजें बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी से नोट कर लो। सबसे पहले तो रोहित शर्मा को वार्नर से लेकर स्टॉइनिस तक सबके बल्लों में स्प्रिंग चेक करनी है, चेक कर लेना भैया। फिर ये देख लेना कि कोई भी कंगारू बल्लेबाज अपने दस्तानों में स्कॉच बॉल लगाकर न खेले। फिर इनकी अंपायरों के साथ सेटिंग भी चेक कर लेना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े बेमंटे हैं। बल्ले में स्प्रिंग वाली बात चलो मान लेते हैं कि अफवाह हो सकती है, लेकिन ये बात तो सच है कि 2007 वर्ल्ड कप फाइनल में गिलक्रिस्ट के ग्लव्स में स्क्वैश और सिडनी टेस्ट में अंपायर किस साइड था ये भी देखा हुआ है। तो रोहित भाई, पहली तैयारी तो आपको ये करनी है जो मैंने बताई। दूसरी तैयारी के लिए आप एक बार चकदे इंडिया देख लो, वो पिक्चर ठीक है। और मौला मेरे ले ले मेरी जान, इसका एक छोटा सा रील वर्जन निकालकर ऑडियो तैयार कर लो, क्योंकि उस फिल्म में कबीर खान यानी शाहरुख खान की तरह राहुल द्रविड़ भी वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुके हैं। उस फिल्म में कबीर खान की तरह राहुल द्रविड़ भी इंडियन नेशनल टीम के कोच बन गए हैं और उस फिल्म की तरह फाइनल भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है। इधर टीम इंडिया ने कप उठाया और उधर राहुल द्रविड़ की 2003 और 2023 की फोटो एक साथ चिपका कर जो गाना मैंने बताया है उस पर रील डाल देना, कसम से वायरल हो जाएगी एक नंबर। नमस्ते, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र, वो भी वर्ल्ड कप स्पेशल। वैसे स्पेशल से याद आया, एक स्पेशल मौका है आपके पास MyElevenसर्कल, आपको डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ₹5,000 फ्री में कैसे आपके अकाउंट में आएंगे वो वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले बात करते हैं इस टीम इंडिया की, सॉरी आई मीन पहले तारीफ कर लेते हैं इस टीम इंडिया की, क्योंकि तारीफ के अलावा हमारे पास कहने को और कुछ नहीं है। पहले भी हम बोल चुके हैं कि हमारे हिसाब से ये टीम वनडे इतिहास की बेस्ट एवर यूनिट है। हर एक खिलाड़ी मैच विनर है, लेकिन फॉर चेंज मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा अब की बार तेज शुरुआत देने के साथ साथ थोड़ा लंबा खेल जाएं। सोचिए कितना अच्छा लगेगा सुनने में कि वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान ने वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी लगा डाली। और फिर सही मायनों में थोड़ा बदला भी लगेगा। बदला कैसे? ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ में आएगा कि 2003 में रिकी पॉन्टिंग के हाथों हमें कैसा महसूस हुआ था। कोहली तो है ही दुनिया के ग्रेटेस्ट, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज के मैच में शुभमन गिल से एक बड़ी पारी ड्यू है। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी शतक नहीं लगाया और इससे बढ़िया मौका आएगा नहीं। स्टेज सेट है वर्ल्ड कप फाइनल के, ऑस्ट्रेलिया की टीम है और उनका फेवरेट अहमदाबाद का मैदान। वैसे गुजरात टाइटंस के लिए तो मोहम्मद शमी भी खेलते हैं। मुझे तो सोचकर डर लग रहा है कि अगर वानखेड़े पर शमी ने 7 विकेट ले लिए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो आग ही बरसा देंगे। आग बरसाने से याद आया, टीम इंडिया से सबसे ज्यादा आग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर किसी ने बरसाई है तो वो है KL राहुल। 2023 में खेले गए अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर वनडे मैच में राहुल ने हाफ सेंचुरी लगाई है और इसमें वर्ल्ड कप में लगाए गए नॉट आउट 97 भी शामिल है। यानी हमारे हथियार चलाने वालों के पास पूरा बारूद है। लेकिन क्या आपके पास क्रिकेट की पूरी नॉलेज है? अगर हाँ तो अपने पास रखकर उस नॉलेज का अचार डाल रहे हो क्या? हेलो, जल्दी से माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बड़े बड़े प्राइजेस हैं उनके पास, आखिरी दिन है वर्ल्ड कप का, ठीक है। और वर्ल्ड कप के फाइनल का मेगा कॉन्टेस्ट जीतने पर आपको पता है क्या मिलेगा? 1 करोड़ रुपए, साथ में टाटा SUV और एक iPhone। इससे ज्यादा प्राइज इस आसानी से आप कहीं नहीं जीत पाओगे, क्योंकि माई इलेवन सर्कल ऐप पर प्राइज है सबसे बड़े और यहां पर कॉम्पिटिशन है कम। जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके अगर आपने आज फाइनल से पहले डाउनलोड किया और फिर उस पर पहला डिपॉजिट कर दिया तो आपको मिलेगा ज्वाइनिंग बोनस ₹5,000। यानी कोई टीम नहीं बनानी है, कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है, फ्री फंड के ₹5,000। लेकिन आपको फुर्ती दिखानी होगी क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहीं से एक्टिवेट होगा। बाकी आपको टीम बनाने में मैं हेल्प करूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप दौड़ लीजिए, भाग लीजिए, कूद लीजिए, फांद लीजिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको वर्ल्ड कप फाइनल में मिल ही जाएगी। ऐसा लगता है वर्ल्ड कप होता है इसलिए ताकि टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का फाइनल कोई खेल पाएगी। इस टीम ने वर्ल्ड कप में आने से पहले 2 वनडे सीरीज हारी, पहली साउथ अफ्रीका से, उसके बाद भारत से। वर्ल्ड कप में आते ही उन्होंने 2 मैच हारे, पहले भारत से उसके बाद साउथ अफ्रीका से। लेकिन लगातार 8 मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल पहुंच गई और सेमीफाइनल में पहुंचकर जीती किससे? साउथ अफ्रीका से। वही टीम जिससे सीरीज भी हार चुकी
भी और वर्ल्ड कप में अपना मैच भी। अब यही सोच सोच के टेंशन हो रही है कि यार सीरीज और वर्ल्ड कप का मैच तो वो हमसे भी हारे हैं, ऊपर से इस टीम के पास बड़े मैचों का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है और टीम भी बिल्कुल हल्की नहीं है। ऊपर डेविड वार्नर और हेड से लेकर मिशेल मार्श जैसे हिटर, लबुशेन और स्मिथ जैसे एंकर, स्टार कमिंस, हेजलवुड जैसे गेंदबाज। हालांकि लॉजिक के हिसाब से अपनी इंडिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पता नहीं क्यों रह रहकर ये लगता है कि कहीं अगर हमारा आधा घंटा खराब हो गया ना मैदान पे तो 4 साल खराब हो जाएंगे जिंदगी के। और आपको याद होगा कि लीग स्टेज में अगर इंडिया कहीं सबसे ज्यादा फंसी तो वो पहला मैच ही था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसमें फंसी थी, जब हमारे 2 रन पर 3 विकेट हो गए थे। डर इस बात का भी है कि टॉस जीतना चाहिए या नहीं, जीत गए तो पहले बैटिंग ले ले, लेकिन बल्लेबाजी ले ली तो फिर गेंदबाजी हमें ओस में करनी पड़ सकती है। और हर बार तो टीम इंडिया पहले इनिंग में 400 का स्कोर तो लगाएगी नहीं, बताइए तो क्या गेंदबाजी कर लेनी चाहिए? लेकिन अगर गेंदबाजी कर ली और ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में लंबा स्कोर टांग दिया तो हम भी टंग जाएंगे। इंडियन फैंस यही सोच रहे हैं कि हम ना तो राहुल द्रविड़ हैं और ना ही रोहित शर्मा, फिर हमें टेंशन हो क्यों रही है? लेकिन देखो दोस्तों, इस टेंशन के बाद अगर जीत मिली ना तो जिंदगी भर की यादें बन जाएंगी, है कि नहीं? हम उम्मीद करते हैं कि ये दिन भारत के इतिहास का ऐतिहासिक दिन हो। टीम इंडिया को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट और आपको भी बेस्ट विशेस, क्योंकि माय 11 सर्कल ऐप पर आप भी खेलोगे कि नहीं? हेलो, खेलना जरूरी है। ये देखो मेरी टीम, विकेट कीपर है केएल राहुल, बल्लेबाजी करेंगे। वो जनाब जी आए, पिच को चेक किया, फिर फोटो बनाई उसकी ना। हाँ। यार भाई मतलब तुम्हारे अंदर इतनी अक्ल नहीं है, तुम देखो भाई ये पॉसिबल है, पिच पे कितना वर्क लगता है। हाँ भाई कितना वर्क होता है पिच पे, मतलब कितने टाइम बाद दोनों के लिए बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो रातों रात ही चेंज हो सकती है पिच भाई। नहीं यार कहाँ होती, कितना मुश्किल जॉब है। और यार सारी बात करने से पहले यार, सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक इंडिया, बेस्ट ऑफ लक इंडिया आज यार, आप सब प्रे करो। देखो वर्ल्ड टीम जीतेगी जो अच्छा खेलेगी, लेकिन हम प्रे कर सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं। और जो जिस तरह की फॉर्म में इंडियन टीम है, बिल्कुल बिल्कुल चांसेस ज्यादा भारत के, लेकिन हमें अपोनेंट को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपोनेंट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पर खतरनाक खिलाड़ी होते हैं और उसके पास खतरनाक खिलाड़ी है, तो कभी भी किसी को हल्का ना लो। मैच देखने वाला होगा आज, सारों के नाखून खुद ही काट जाएंगे आज, मुझे लग रहा है आपको काटने की जरूरत नहीं। और हम यही चाहते हैं कि विजेता इंडिया बन के निकले, और मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा यार भाई। मैं तो इधर छोटी सी यही बात बोलूंगा, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे, अगर पावर प्ले के अंदर अंदर विकेट्स गिर गई ना, दोनों के लिए मुश्किल हो जाए। सही बात है, चाहे इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, पावर प्ले में विकेट नहीं देनी, नहीं देनी। और अगर देनी भी है तो स्कोर इतना हो जिस तरह उस दिन रोहित शर्मा ले गए थे खिलाफ, उतना स्कोर ले गए थे, मतलब इंडिया का स्कोर उतना होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, मैं यही कहूँगा। रोहित शर्मा के ऊपर आज काफी डिपेंड होगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने अगर बहुत फास्ट खेला, 50 भी रोहित शर्मा ने फास्ट बना ली, सारा प्रेशर नीचे से उतर जाएगा, उतर जाएगा। आगे कोहली राहुल ये सारे ये आगे गेम संभाल लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने एक हैवी स्टार्ट देना है भाई। और आज ये देखा जाएगा कि अश्विन अन्ना को खिलाते हैं कि नहीं यार, अगर स्पिनर पिच है तो अश्विन अन्ना खेलना चाहिए मेरे ख्याल में, सिराज की जगह, क्यों भाई सिराज क्या है यार, आप देखो क्या। हाँ मुझे भी लगता है सिराज की जगह ही होंगे, अगर हुए वो भी सकते, शमी हटा नहीं सकते, बुमराह हटा नहीं सकते, तो फिर एक सिराज ही ऑप्शन है, और तो कोई नहीं है भाई। क्यों भाई सिराज को नहीं हटाने वाले, क्योंकि वो अपना तो भाई स्पिनर, फिर किसकी जगह, फिर स्पिनर हटाना पड़ेगा, देखते हैं अब क्या होता है। सूर्य कुमार यादव को हटाना पड़ेगा फिर, और तो कोई नहीं, पीछे बैटिंग नहीं है ना, तो हाँ ना बैटिंग छोड़ो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको पेसर ही हटाना पड़ेगा। लेकिन क्या होती है स्टडी, बेस्ट ऑफ लक इंडिया टीम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार भाई।